Now next one, इस session में जस्ट डिस्कस करेंगे होल प्रोसेस ऑफ रियलॉक फंक्शन. जस्ट प्रीवियस केस में कवर किया था मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन. रियलॉक फंक्शन के रिस्पेक्ट में इस बात करें, सपोज करें अगर आपने कोई भी मेमोरी स्पेस मैलॉक या कैलॉक के थ्रू एलोकेट कराया, देन इसे एग्जिस्टिंग ब्लॉक का साइज या तो आप डिक्रीज करना चाहते हो या फिर इंक्रीज करना चाहते हो, देन इस सिचुएशन में ऑलवेज यूज क्या करोगे, रियलॉक फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट मैलॉक फंक्शन के थ्रू इनिशियली मैंने 4 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया, मीन्स इस ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, प्लस ये ब्लॉक मैंने क्रिएट कराया आइदर बाय यूजिंग मैलॉक और बाय यूजिंग कैलॉक. फर्स्ट बाइट का एड्रेस है समथिंग 100 101 102 एंड 103. इस करंटली आपके पास अवेलेबल मेमोरी स्पेस कितना, 4 बाइट्स, प्लस ये 4 बाइट्स एलोकेट किसके थ्रू कराए, यूजिंग मैलॉक फंक्शन और यूजिंग कैलॉक फंक्शन. नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर केस में 2 पॉसिबल सिचुएशंस हैं. फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर आपको 4 बाइट्स यूज ना करें, आप यूज क्या कर रहे हैं, ओनली 2 बाइट्स. अगर आप ओनली बिगिनिंग 2 बाइट्स यूज कर रहे हैं, रिमेनिंग 2 बाइट्स अगर आप कभी यूज नहीं कर रहे हैं, इस केस में स्पेस कैसे आपके लिए यूजलेस लेकिन फिर भी रिजेक्ट है, देन इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ, डी एलोकेटिंग दीज 2 अनयूज्ड बाइट्स. इस केस में अगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात करें तो ब्लॉक का इनिशियल साइज क्या था, 4 बाइट्स, लेकिन आपके पास अनयूज्ड बाइट्स कितने, इस केस में लास्ट 2 बाइट्स, इस केस में लास्ट 2 बाइट्स को डी एलोकेट कराने के बाद फाइनली ब्लॉक का ओरिजिनल साइज क्या रहेगा, रिमेन्स 2 बाइट्स. तो इस केस में जस्ट जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, एग्जिस्टिंग ब्लॉक के साइज को इंक्रीज कराने की रिक्वायरमेंट है, डिक्रीज जस्ट डिक्रीमेंट. सिमिलरली दूसरा पॉसिबल केस क्या है, इस केस में इनिशियली इस आप बिगिनिंग में ऑलरेडी श्योर थे आपको ओनली 4 एलिमेंट स्टोर कराना, बट सडनली आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, इस 2 मोर एलिमेंट्स स्टोर कराने की नीड है. क्लियर, इस आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने, समथिंग नियर अबाउट 6 एलिमेंट्स, लेकिन आपने मेमोरी स्पेस कितने एलिमेंट्स के लिए एलोकेट करा, ओनली फॉर स्टोरिंग 4 आइटम्स, मीन्स मे बी कैरेक्टर टाइप्स लाइक दैट. इस केस में अगर आपको 6 एलिमेंट स्टोर कराना, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग स्पेस कितना, ओनली फॉर होल्डिंग 4 एलिमेंट्स और 4 वैल्यूज, 2 मोर वैल्यू स्टोर कराने के लिए अगेन जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है, इस ब्लॉक का साइज आपको इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट होगी. इसे एग्जिस्टिंग साइज क्या था, जस्ट 4, न्यू साइज क्या रिक्वायर्ड, इस केस में जस्ट 6. तो आपको मोर एक्स्ट्रा बाइट्स कितने रिक्वायर्ड, जस्ट 2 बाइट्स. इस केस में जस्ट न्यू साइज क्या होगा ब्लॉक का, जस्ट 6 बाइट्स. तो मीन्स इस पर्टिकुलर प्रीवियस केस में जस्ट 2 बाइट्स को रिमूव कराया, देन इनिशियल साइज मीन्स ओरिजिनल साइज क्या ज्यादा आपके पास, जस्ट 2 बाइट्स. इस केस में जस्ट साइज को इंक्रीज कराया, देन इसका ओरिजिनल साइज क्या, जस्ट 6 बाइट्स. मीन्स जब भी आपके पास इस टाइप के रिक्वायरमेंट्स आएंगे, आप ऑलवेज यूज क्या करो, इस केस में गो थ्रू रियलॉक फंक्शन. दिस इज द ब्यूटी ऑफ रियलॉक फंक्शंस. द रियलॉक फंक्शन इंटरनली किस टाइप से वर्क करेगा, किस टाइप के पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, सब कुछ मैं 1 by 1 डिस्कस करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए. रियलॉक फंक्शन को यूज करने का जस्ट मेन पर्पज क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक विच इज एलोकेटेड बाई आइदर यूजिंग मैलॉक फंक्शन और यूजिंग कैलॉक फंक्शन. दिस इज द यूज ऑफ रियलॉक फंक्शंस. रियलॉक फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर ये हमेशा रिटर्न क्या करता है, बेस एड्रेस, लेकिन इसका आर्गुमेंट टाइप क्या है, इट इज 2 आर्गुमेंट फंक्शंस. जस्ट मैंने इसका सिग्नेचर प्रोवाइड किया, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड स्टार, दूसरे रिटर्न किया हुआ जस्ट void type of pointer, लेकिन इसके इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, void pointer, और सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, size underscore t size. इस फर्स्ट आर्गुमेंट में साइज क्या मीन्स पास क्या करोगे, बेस एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक. इस फर्स्ट आर्गुमेंट में वो पर्टिकुलर एड्रेस पास करोगे जिस ब्लॉक के साइज को आप या तो इंक्रीज करना चाहते हो या फिर डिक्रीज करना चाहते हो, लेकिन सेकेंड आर्गुमेंट क्या पास करोगे, न्यू साइज ऑफ द ब्लॉक. क्लियर, इस न्यू साइज हो सकता है सेम साइज हो, सेम साइज आप मोस्टली भी पास नहीं करोगे क्योंकि आपके लिए यूजलेस होगा. इस न्यू साइज या तो स्मॉलर साइज होगा या फिर ग्रेटर. क्लियर, इसके इसमें 2 पॉसिबल केस हैं. जस्ट अभी तक मैंने जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की. नेक्स्ट वन मीन्स रियलॉक के केस में अगर बात करें तो एग्जैक्टली रियलॉक इंटरनली किस टाइप से वर्किंग करेगा. रियलॉक के केस में जस्ट 2 पॉसिबल केस हैं, ये दोनों ही केस में 1 by 1 डिस्कस करूंगा. फर्स्ट केस, सपोज दैट वी आर हैविंग सम इंटीजर पॉइंटर इंट स्टार पी, काफी इंपॉर्टेंट केस आपके लिए. देन इनिशियली मैंने मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म करा यूजिंग मैलॉक फंक्शन, प्लस मैलॉक के थ्रू ओनली कितने बाइट्स एलोकेट हो रहे हैं, इसके इसमें 4 बाइट्स. 4 बाइट मीन्स जस्ट इंटीजर्स के रिस्पेक्ट बात करें कितने एलिमेंट के लिए स्पेस एलोकेट होगा, 2 एलिमेंट्स. मीन्स इसके इसमें एक इनिशियली वेरिएबल क्रिएट किया एन, और एन का वैल्यू क्या है, 2. सप्लाई किया मैंने एन मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर. करेंटली एन का वैल्यू क्या है, 2.
इंटीजर का साइज क्या हो टू, तो फाइनली कितने बाइट्स एलोकेट होंगे इस केस में, इनिशियली जस्ट 4 बाइट्स। दिस इज द फर्स्ट केस, 4 बाइट का एक ब्लॉक एलोकेट कराया इन दैट केस में। इस केस में सेपरेटली ब्लॉक डिफाइन कर रहा हूँ, इस ब्लॉक के अंदर मल्टीपल बाइट्स फाउंड हो रहे हैं। दिस इज द हीप मेमोरी, इसे एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है 1 बाइट, मीन्स 1 बाइट्स के मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। इन दैट केस फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या है 100 101 102 103 104 5 6 7 8 लाइक दैट 108 एंड सो ऑन। इस केस में इनिशियली फर्स्ट टाइम एलोकेशन किसके थ्रू रहा भाई, यूजिंग मैलॉक फंक्शन। मैलॉक के केस में प्लस वन मोर सेपरेट वेरिएबल क्रिएट हुआ एज अ पॉइंटर वेरिएबल पी। पी के केस में स्टोर किया हुआ बेस एड्रेस ऑफ रिजर्व्ड लॉक। नेक्स्ट वन, जैसे इस केस में मैलॉक फंक्शन एलोकेट हुआ, मैलॉक के अंदर पास किया हुआ जस्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मीन्स कितने बाइट्स एलोकेट होंगे इस केस में, जस्ट 4 बाइट्स। क्लियर, एज्यूम करो इस केस में पर्टिकुलर बाइट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, यानी फ्री स्पेस कंसीडर करो जस्ट फ्रॉम 101 101 ऑनवर्ड्स टोटल कितने बाइट्स एलोकेट होंगे इस केस में, एग्जैक्टली 4 बाइट्स। इस 4 बाइट के ब्लॉक को कंसीडर करेंगे एज अ रिजर्व्ड प्लेस। इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या होगा, अगर मैं सिंबल सॉरी हैश टेबल की बात करूँ, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है जब भी कोई डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है तो उसके लिए इंटरनली मैनेज क्या होगा सेपरेटली हैश टेबल। हैश टेबल में स्टोर क्या हुआ बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक साइज ऑफ ब्लॉक। तो इस केस में करंटली जिस प्लेस का एलोकेशन परफॉर्म इसका बेस एड्रेस क्या है 101, तो हैश टेबल न्यू एंट्री इंसर्ट होगा 101 प्लस इस प्लेस ऑनवर्ड्स, मीन्स 101 ऑनवर्ड्स कितने बाइट्स एलोकेट हुए करंटली 4 बाइट्स। दिस द एग्जिस्टिंग केस। नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर केस मैंने कोई वैल्यू असाइन कराया लाइक दैट P0 इक्वल्स टू 10, जस्ट मैं स्टोर क्या करना चाहता हूँ सम इंटीजर वैल्यू पी ऑफ 1 इक्वल्स टू समथिंग 20। देन इस इंटीजर पॉइंटर में असाइन किया जाए इस ब्लॉक का बेस एड्रेस 101, देन ये पर्टिकुलर पॉइंट इस ब्लॉक को पॉइंट करेगा। इनिशियली इस फर्स्ट 2 बाइट का नेम क्या हो जाएगा पी ऑफ 0, नेक्स्ट 2 बाइट्स का नेम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंटीजर पॉइंटर पी ऑफ 1। स्पेशली याद रखना फिजिकली इस टाइप्स के कोई भी नेम्स क्रिएट नहीं होता, जस्ट इस द वे ऑफ एक्सेसिंग दिस प्लेस। क्लियर, जस्ट लॉजिकल नेम्स। देन फर्स्ट प्लेस पर कैसा हो जाएगा 10, सेकंड प्लेस पर कैसा हो जाएगा 20, फाइनली कितने बाइट्स से एलोकेट किए तो ओनली 4 बाइट्स। इन फ्यूचर और आफ्टर सम स्टेटमेंट अगेन आपको रिक्वायर्ड क्या है, वी वांट टू स्टोर 2 मोर एलिमेंट्स। अगर आपको अगेंस्ट सेम ब्लॉक के अंदर 2 मोर एलिमेंट स्टोर कराने की रिक्वायरमेंट है, मीन्स ऑलरेडी कितने एलिमेंट आपने सेव किए जस्ट 2, अगेन फिर से आपको फ्यूचर में कितने एलिमेंट स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है सेम ब्लॉक के अंदर, अगेन आपको स्टोर क्या कराना 2 मोर इंटीजर एलिमेंट्स। तो करेंटली आपके पास अवेलेबल स्पेस कितना ओनली फॉर स्टोरिंग 2 एलिमेंट्स, इन फ्यूचर आपको स्टोर क्या कराना 2 मोर एलिमेंट, तो टोटल साइज कितना रिक्वायर्ड होगा 4+4 मीन्स 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट स्टोर कराने के लिए अगेन कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे 4 बाइट्स। क्लियर, देन 4 बाइट्स के रिस्पेक्ट में जस्ट तो करेंटली इसका साइज क्या था 4 बाइट्स, तो टोटल साइज क्या होगा इसके इसमें न्यू साइज क्या होगा जस्ट 8 बाइट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें करेंटली कितने एलिमेंट मैनेज किए 2, नेक्स्ट टाइम अगेन कितने एलिमेंट मैनेज करना चाहते हैं जस्ट 2 मोर एलिमेंट, तो एन के केस में क्या राइट करो जस्ट एन इक्वल्स टू 2। इस केस में जस्ट मैंने राइट डाउन किया एन इक्वल्स टू एन प्लस 2, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन, इनिशियली एन के अंदर क्या फाउंड हुआ था 2, 2 में 2 से इंक्रीमेंट हुआ तो एन की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो नेक्स्ट टाइम सेम ब्लॉक के थ्रू आप कितने एलिमेंट्स मैनेज करना चाहते हो 4 एलिमेंट्स। तो इस केस में जस्ट इस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे रियलॉक फंक्शन। तो रियलॉक फंक्शन को यूज करने का जस्ट वे क्या है लाइक दैट वी आर कॉलिंग फंक्शन नेम एज रियलॉक। रियलॉक के केस में अगर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो आर्ग्यूमेंट कितने पास होंगे 2 आर्ग्यूमेंट, वॉइड स्टार बेस पॉइंटर और साइज ऑफ ब्लॉक। तो इस केस में जस्ट पास क्या करोगे, सबसे पहले सप्लाई करेंगे बेस एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक, मीन जैसे ब्लॉक के साइज को आप या तो इंक्रीज करना चाहते हो या फिर डिक्रीज करना चाहते हो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का बेस एड्रेस सप्लाई करेंगे। क्लियर, फर्स्ट वन, तो इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या 101 और 101 बेस एड्रेस अवेलेबल किसमें था पॉइंटर वेरिएबल पी इन द फॉर्म ऑफ पी। इस प्लेस पर सप्लाई क्या करेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट में बेस एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक, क्लियर पी। सेकंड केस में सप्लाई क्या करोगे न्यू साइज, न्यू साइज क्या है एन मल्टीप्लाई बाई अगेन वी आर यूजिंग साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर, तो एन का वैल्यू क्या है 4, इंटीजर का साइज क्या है 2, इसके पास हो रहा है इसके फाइनली 8 बाइट्स। तो रियल ऑफ फंक्शन के थ्रू अगेन
न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा, इस न्यू ब्लॉक का साइज क्या है, जस्ट 8 bytes। अब इस केस में टू पॉसिबल केस हैं इन केस ऑफ रियलॉक। इस केस में रियलॉक के केस में जस्ट नेक्स्ट टाइम कितने बाइट्स रिक्वायर्ड, जस्ट 8 bytes। अब 8 bytes के रिस्पेक्ट में बात करें, 4 bytes आप ऑलरेडी रिजर्व कर चुके हो, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपको 4 more bytes एलोकेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में 4 bytes के केस में टू पॉसिबल केस हों, जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक है उससे जस्ट मीन से एग्जिस्टिंग ब्लॉक ऑनवर्ड्स काउंट कितने बाइट्स होंगे, 4 bytes। अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद 4 more bytes अवेलेबल है, देन इस केस में सेम ब्लॉक का साइज इंक्रीज हो जाए, इस केस में कभी कोई न्यू ब्लॉक क्रिएट नहीं हो, दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद 2 bytes तो अवेलेबल, लेकिन नेक्स्ट 2 bytes ऑलरेडी रिजर्व्ड है या ऑलरेडी किसी अदर पर्पज से रिजर्व हो चुके थे। एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद एलोकेशन पॉसिबल है नॉट पॉसिबल, क्योंकि एलोकेशन ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर्म में परफॉर्म होता है। मीन्स नेक्स्ट टाइम सेम ब्लॉक के साइज को इंक्रीज करने के लिए स्पेस कितना रिक्वायर्ड है, 4 more bytes, क्योंकि 4 bytes ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो जस्ट एग्जिस्टिंग ब्लॉक के बाद न्यू साइज या तो अवेलेबल होगा या अवेलेबल नहीं होगा, टू पॉसिबल केस है। तो दोनों केस में सेपरेट डायग्राम प्रोवाइड करूंगा, फर्स्ट केस में एज्यूम करके चल रहा हूँ मीन्स एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद ऑलरेडी 4 bytes अवेलेबल है, इस द फर्स्ट केस। सेकेंड केस आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है, अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक के बाद स्पेस फाउंड हो रहा था ना, इस केस में किस टाइप के इंटरनल प्रोसेस परफॉर्म, फर्स्ट वन पर एग्मी से एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट आप 4 more bytes अवेलेबल है, यानी इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या हुआ, जो भी हैश टेबल था इसके अंदर बेस एड्रेस सेम रहेगा लेकिन न्यू साइज क्या स्टोर हो जाएगा, इस केस में जस्ट 8। नाउ 101 ऑनवर्ड्स कितने बाइट्स एलोकेट हो चुके हैं, जस्ट 8 bytes। बिगिनिंग टू एलिमेंट्स में क्या है, बिगिनिंग 4 bytes में क्या स्टोर है, 10, 20। नेक्स्ट प्लेस पर क्या स्टोर होगा, अगेन गार्बेज वैल्यू। इस मेलॉक के केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होता है, गार्बेज। इस केस में डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे, गार्बेज। अगर आप गिवन पॉइंटर ऑनवर्ड्स 4 element डिस्प्ले कराओ तो फर्स्ट 2 places पर क्या फाउंड होगा, 10, 20। नेक्स्ट 2 places पर क्या आएगा, जस्ट गार्बेज वैल्यू। देन इस केस में नेक्स्ट 2 bytes को कंसिडर कर सकते हो, P of 2 and P of 3, दिस इज द एग्जिस्टिंग केस। इन प्लेसेस पर फाउंड क्या हो रहा है, जस्ट गार्बेज वैल्यू। नेक्स्ट में इस केस में कोई भी न्यू ब्लॉक एलोकेट हुआ है क्या, नहीं। सेम ब्लॉक बेस एड्रेस चेंज हुआ है क्या, नहीं। रियलॉक फंक्शन कॉल होने के जस्ट बाद रिटर्न क्या करता है, मीन्स या तो एग्जिस्टिंग ब्लॉक का बेस एड्रेस रिटर्न करेगा या फिर न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस रिटर्न करेगा। अगर आपने इसे अगर इस प्रोसेस में न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ है, देन उसके साथ न्यू ब्लॉक का एड्रेस भी कैसा हुआ, डिफरेंट, देन आपको कैसे पता चलेगा न्यू एड्रेस का, न्यू ब्लॉक का एड्रेस क्या, देन उसके इसमें रियलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, जस्ट बेस एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक। अगर कोई भी न्यू ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ, देन इससे रिटर्न क्या होगा, जस्ट बेस एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक, क्लियर। एंड करेंटली कोई भी न्यू ब्लॉक क्रिएट नहीं है, अभी भी बेस एड्रेस क्या है, जस्ट 101। तो इस केस में रिटर्न क्या करेगा, 101। लेकिन आपको ऑलरेडी पता नहीं होगा कि न्यू एड्रेस नहीं करेगा एग्जिस्टिंग, तो अगेन जो भी एड्रेस नहीं होगा फिर से आपको कहीं ना कहीं पॉइंटर में स्टोर कराने की रिक्वायरमेंट होगी। तो पॉइंटर क्या आपके पास ऑलरेडी पी, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड स्टार, तो उसको टाइप कास्ट किसमें कराएंगे, अगेन इंटीजर पॉइंटर इंट स्टार। असाइनमेंट किसमें करा लेंगे, पी में। तो पी में प्रीवियस वैल्यू भी क्या था, 101, रिटर्न क्या 101, अगेन क्या साइन में 101। पी अभी भी सेम ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, न्यू ब्लॉक, अगेन सेम ब्लॉक। देन इसके अलावा अगेन इन फ्यूचर नेक्स्ट 2 places पर आपके लिए फिर से कोई न्यू डेटा स्टोर कराना पॉसिबल, लाइक पी ऑफ 2 = 30, पी ऑफ 3 = 40 एंड सो ऑन। देन पी ऑफ 2 में क्या साइन हो जाएगा, जस्ट 30, पी ऑफ 3 में क्या साइन हो जाएगा, जस्ट 40 एंड सो ऑन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रियलॉक इन केस ऑफ सेम ब्लॉक। मीन्स अगर सेम ब्लॉक के बाद मेमोरी स्पेस फाउंड हो रहा है, इस केस में कोई भी न्यू ब्लॉक क्रिएट करने की नीड नहीं हुई। दूसरा पॉसिबल केस जस्ट मैं इस केस में फाइंड आउट कर रहा हूँ, इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगेन इंटीजर एन, सेकंड केस आपके लिए मोर इंटरेस्टिंग है, n = 2 *p, p = वी आर कॉलिंग मेलॉक। मीन्स इनिशियली सबसे पहले ब्लॉक केस के थ्रू एलोकेट करा हुआ यूजिंग मेलॉक फंक्शन और कैलॉक फंक्शन, क्लियर। मेलॉक के केस मैंने सप्लाई किया n × size of integer विच इज नथिंग बट 2 bytes इन 16-bit C कंपाइलर, साइज ऑफ इंट। इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद जस्ट रियलॉक से रिलेटेड कुछ अदर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन मीन्स रियलॉक के केस में स्पेशली याद रखना, मीन्स रियलॉक के थ्रू कभी भी डायरेक्टली न्यू मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराना पॉसिबल नहीं, लाइक अ मेलॉक और कैलॉक। रियलॉक के थ्रू ओनली एग्जिस्टिंग ब्लॉक के साइज को या तो इंक्रीज करना पॉसिबल या फिर डिक्रीज करना पॉसिबल हुआ। जस्ट मैं इसके जस्ट बाद पहले मैं इस सेशन में जस्ट बेसिक वर्किंग डिस्कस कर रहा हूँ, इसका नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा मीन्स व्हाट हैपन व्हेनेवर वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक। प्लस दूसरा केस,
जैसे किसी पर्टिकुलर केस में रियलॉक फंक्शन को भी यूज कर सकते हो, लाइक अ मैलॉक फंक्शंस। जैसे रियलॉक फंक्शन के थ्रू भी डायरेक्टली न्यू ब्लॉक क्रिएट करना पॉसिबल विदाउट हैविंग एग्जिस्टिंग ब्लॉक। ये प्रोसेस मीन्स ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में बाद में डिस्कस करूंगा, जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज। मीन्स सबसे पहले कॉल किया हुआ मैलॉक, मैलॉक के रिस्पेक्ट में जस्ट इनिशियली मैंने सप्लाई क्या किया है, टू। इस प्रीवियस केस मैंने एक सिंगल ब्लॉक का साइज कंसिडर किया था 1 byte, यहाँ श्योर हम ऑलरेडी इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली 2 2 bytes के ब्लॉक्स रेफर कर रहा हूँ। इसे एज्यूम करके चला, इस केस में एक सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है, 2 bytes, और ईच ब्लॉक हैविंग 2 bytes लाइक दैट। इसलिए मैं इस केस में एड्रेस में भी कितने का डिफरेंस हो करूँगा, जस्ट 2 bytes का लाइक दैट। इनिशियली एन का वैल्यू क्या है, 2, दिस इज द मेमोरी एड्रेस एस 100 102, जस्ट इस ब्लॉक के अंदर कितने बाइट्स हैं, 200 and 101, सेम एज 104 106 8 110 1124 116 118 एंड सो ऑन। क्लियर, इसे सारे के सारे प्लेस में इनिशियली कंसिडर कर रहा हूँ एज अ रिजर्व्ड प्लेस, सॉरी फ्री स्पेस, प्लस एज्यूम करके चलो ब्लॉक ऑलरेडी रिजर्व्ड है, दिस इज ऑलरेडी रिजर्व्ड ब्लॉक 106। इनिशियली एन का वैल्यू क्या है, 2, इस केस में करंटली पास किया हुआ 2 multiply by 2 मीन्स 4 bytes, सॉरी इंटीजर का साइज क्या है अकॉर्डिंग टू 16 C compiler 2। फाइनली इसका मल्टीप्लीकेशन किया 4, तो करंटली कितनी bytes है लोकेट होंगे, 4 bytes, 4 bytes मीन्स 2 integer element। यहाँ मैं ब्लॉक भी एलिमेंट्स के फॉर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वन क्रिएट किया हुआ जस्ट पॉइंटर वेरिएबल पी, पी में आसानी क्या हो जाएगा, एलोकेटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस, ना पी इज पॉइंटिंग दिस ब्लॉक, मीन्स इस प्लेस का नेम क्या है, जस्ट वी कैन से स्टार पी और पी ऑफ 0 and P of 1, मीन्स करेंटली कितनी bytes से एलोकेट हुए, ओनली 2 bytes। क्लियर, स्पेशली याद रखना मीन्स बिगिनिंग, सॉरी 4 bytes, और एक मीन्स इसको कंसिडर किया जाए ब्लॉक, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट टोटल साइज क्या है, 4 bytes। नेक्स्ट वन, इनिशियली इसके बाद जस्ट बाद इस प्लेस में कोई यूजफुल डेटा असाइन करा लिया, लाइक पी ऑफ 0 = 10, पी ऑफ 1 = 20 एंड सो ऑन। क्लियर, आसान क्या हो जाएगा, 10 and 20। नेक्स्ट अगेन इन फ्यूचर अगर आपको एग्जिस्टिंग ब्लॉक का साइज इंक्रीज करने की नीड है, वन मोर थिंग्स, इस केस में कोई हैश टेबल रिप्रेजेंट नहीं किया अगेन डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू हैश टेबल, मीन्स अगेन हैश टेबल में स्टोर किया हुआ बेस एड्रेस और साइज ऑफ ब्लॉक, दिस इज द हैश टेबल। देन अभी जिस ब्लॉक को एलोकेट किया इसका बेस एड्रेस क्या है, जस्ट 100, साइज क्या स्टोर हुआ, जस्ट 4 bytes। नेक्स्ट वन, इन फ्यूचर अगर आपको इस ब्लॉक का साइज इंक्रीज करने की नीड है, देन अगेन कॉल क्या कर लोगे, इस केस में रियलॉक फंक्शन इज सेम मैनर सेम एज प्रीवियस, पी इंट स्टार, रियलॉक फंक्शन के केस में फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या करेंगे, साइज ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक, सॉरी बेस एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक, मीन्स जिस ब्लॉक के साइज, ब्लॉक का साइज आप चेंज करना चाहते हो उस ब्लॉक का एड्रेस पास करोगे, इस ब्लॉक का एड्रेस किसके पास है, पी के पास, तो सप्लाई क्या करेंगे, सेम पॉइंटर वेरिएबल पी प्लस सप्लाई क्या करेंगे, न्यू साइज। इससे जस्ट पहले एज्यूम करो एन का वैल्यू मैंने 2 से इंक्रीज कर लिया, एन इक्वल्स टू एन प्लस 2, एन का इनिशियल वैल्यू क्या था, जस्ट इनिशियलाइजेशन किसे कराया था, 2 से, देन नेक्स्ट टाइम 2 + 2 क्या हो जाएगा, जस्ट वैल्यू बिकम्स 4। इसे एन जस्ट मेंटेन क्या करेगा, करेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और करेंट साइज, देन पी कॉमा, इस केस में सप्लाई क्या किया, पी कॉमा सेकेंड केस में पास क्या करेंगे, साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर मीन्स 2 bytes, मैंने डायरेक्टली राइट किया बिकॉज ऑफ स्पेस, ये सेम सिंटेक्स फॉलो करेंगे, ओनली एन के प्लेस पर क्या पास किया मैंने, सॉरी पास क्या करना है इस केस में, एन मल्टीप्लाई बाई, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 2, और एन का वैल्यू क्या, 4 4 × 2 क्या होगा, जस्ट 8। तो इस केस में न्यू ब्लॉक का साइज के पास के जस्ट 8 byte, मीन्स एग्जिस्टिंग ब्लॉक का साइज क्या 4 byte, आपको न्यू ब्लॉक के साइज के रिक्वायरमेंट है जस्ट 8 byte। प्रीवियस केस में आपको क्या होता है, प्रीवियस केस में एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद न्यू 4 bytes या मोर 4 more bytes अवेलेबल थे, लेकिन इस केस में चेक करो एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद अवेलेबल bytes कितने, ओनली 2 bytes, जबकि आपको मीन्स 4 bytes आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको न्यू bytes कितने रिक्वायर्ड है, 4 more bytes। क्लियर, तो 4 more bytes के लिए जस्ट एग्जिस्टिंग ब्लॉक के बाद 4 bytes फाउंड हो रहे हैं, नॉट फाउंड, देन इस केस में कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा। जब भी न्यू ब्लॉक क्रिएट होगा तो इस केस में कुछ स्टेप्स होंगे, फर्स्ट स्टेप
मीन्स अगर एग्जिस्टिंग टू केस थे इफ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट केस क्या था, या तो एग्जिस्टिंग ब्लॉक के पास साइज अवेलेबल है, अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक के पास साइज अवेलेबल था ये नॉर्मल प्रोसेस था, इसमें कुछ भी इंटरनली परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पॉसिबली इंपॉर्टेंट केस क्या है, अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद न्यू रिक्वायर्ड साइज अगर अवेलेबल नहीं है, देन उस केस में फर्स्ट केस क्या रहेगा, जस्ट कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ, क्रिएटिंग न्यू ब्लॉक विद गिवन साइज। तो साइज क्या गिवन था इस केस में 8, तो अगर नेक्स्ट टाइम कंप्लीटली जो ब्लॉक क्रिएट होगा उसके अंदर एलिमेंट्स बाइट्स कितने क्रिएट होंगे 8, एलिमेंट्स कितने होंगे 4, मीन्स एक ब्लॉक का साइज 2 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8, तो 8 बाइट का नेक्स्ट कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट केस। क्लियर? देन इस केस में इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है 108, प्रीवियस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या था 100, न्यू ब्लॉक का एड्रेस क्या 108। फर्स्ट वन क्या है, एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर न्यू ब्लॉक, न्यू ब्लॉक क्रिएट तो हो चुका लेकिन अभी भी न्यू ब्लॉक में आपके ओल्ड कंटेंट्स फाउंड हो रहे हैं क्या, नहीं। अगर ओनली ब्लॉक क्रिएट हो जाए तो उस केस में आपके ओल्ड कंटेंट्स या ओल्ड डेटा मिस होने के चांसेस हैं। देन सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, कॉपी एग्जिस्टिंग कंटेंट्स इनसाइड न्यू ब्लॉक। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक था एग्जिस्टिंग ब्लॉक के कंटेंट्स कॉपी किसमें हो जाएंगे, न्यू ब्लॉक में, बिगिनिंग प्लेस ऑनवर्ड्स, मीन्स कॉपी क्या हो जाएंगे 10 और 20, लेकिन रिमेनिंग टू प्लेसेस पर क्या स्टोर होगा, अभी भी जस्ट गार्बेज। कॉपी ऑपरेशन होने के बाद जस्ट थर्ड केस, अब चेक करो इस केस में जब आप कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट कर चुके तो एग्जिस्टिंग ब्लॉक अब आपके लिए यूजफुल है और यूजलेस, जस्ट यूजलेस। थर्ड केस क्या रहेगा, फ्री और डी एलोकेटिंग एग्जिस्टिंग ब्लॉक, मीन्स जस्ट जो भी एग्जिस्टिंग और ओल्ड ब्लॉक है ओल्ड ब्लॉक को डी एलोकेट कराएं। इस केस में ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रियलॉक फंक्शन। आपको सिंपली ओनली रियलॉक फंक्शन कॉल करने की जरूरत है, सारे यूटिलिटी परफॉर्म कौन करेगा इंटरनली, रियलॉक। अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड साइज अवेलेबल नहीं, देन उस केस में सबसे पहले रियलॉक फंक्शन कंप्लीटली न्यू ब्लॉक क्रिएट करेगा फॉर गिवन साइज, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, देन एग्जिस्टिंग ब्लॉक के कंटेंट्स कॉपी किसमें हो जाएंगे, न्यू प्लेस पर, न्यू प्लेस पर कॉपी होने के जस्ट बाद थर्ड स्टेप क्या है, मीन्स डी एलोकेटिंग एग्जिस्टिंग ब्लॉक, मीन्स एग्जिस्टिंग ब्लॉक डी एलोकेट हो चुका है इस केस में कंप्लीटली। तो डी एलोकेट करने का मतलब क्या है, इसे एग्जिस्टिंग ब्लॉक का एंट्री हैश टेबल से रिमूव करना। देन अब ये पर्टिकुलर ब्लॉक कंसिडर कैसे होगा, लॉजिकली अनरिजर्व्ड। दूसरा केस, न्यू ब्लॉक जिस प्लेस से रिजर्व्ड हुआ उसका बेस एड्रेस क्या है 108, तो न्यू एंट्री का इंसर्ट होगा इस केस में 108, ऑनवर्ड्स कितने बाइट्स एलोकेट हुए जस्ट 8 बाइट्स, तो 108 ऑनवर्ड्स कितने बाइट्स रजिस्टर्ड है जस्ट 8 बाइट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रियलॉक। देन नेक्स्ट वन, आपके पास अभी पी में क्या है ओल्ड ब्लॉक का एड्रेस, क्लियर। देन रियलॉक पे रिटर्न क्या करेगा, फाइनली रिटर्निंग, फोर्थ स्टेप क्या है, रिटर्निंग बेस एड्रेस ऑफ आइदर न्यूली ब्लॉक और एग्जिस्टिंग ब्लॉक। अगर न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ देन उस केस में रिटर्न क्या होगा, न्यू ब्लॉक का बेस एड्रेस। अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक का साइज इंक्रीज हुआ देन रिटर्न क्या करेगा, बेस एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक। प्रीवियस केस में जस्ट रिटर्न क्या हुआ था, जस्ट बेस एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक। क्लियर? न्यू ब्लॉक का एड्रेस क्या है 108, कॉपी किस में जाएगा जस्ट पी में, तो पी में कैसा हो जाएगा 108, तो इमीडिएटली पी न्यू ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट करें, मीन्स पी के थ्रू या पॉइंटर के थ्रू कौन सा ब्लॉक पॉइंट हुआ, न्यू ब्लॉक। तो इसके बिगिनिंग टू वर्ड्स का नेम क्या हो जाएगा जस्ट स्टार पी, और अदर नेम क्या हो जाएगा, इन अ वे ऑफ एरे पी जीरो और वी कैन से पी वन, पी ऑफ टू एंड पी ऑफ थ्री। क्लियर? देन अगेन आपके लिए रिमेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराना पॉसिबल, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस अबाउट रियलॉक फंक्शन। जस्ट नेक्स्ट सेशन में रियलॉक से रिलेटेड कुछ अदर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डिक्रीजिंग साइज और हाउ टू परफॉर्मिंग कंप्लीटली न्यू एलोकेशन यूजिंग रियलॉक एक्ट्स लाइक अ मैलॉक, और इन विच सिचुएशन रियलॉक फंक्शन एक्ट्स लाइक अ मैलॉक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इस केस में रियलॉक में पास करके एग्जिस्टिंग ब्लॉक का एड्रेस, सपोज दैट अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक का एड्रेस पास ना करें, स्पेस में पास के नल एड्रेस एच जीरो, स्पेस में पास करके सम नल एड्रेस, सिचुएशन को जस्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, काफी इंटरेस्टिंग केस है।